तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कुमारधुवी बाजार स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में दर्जनों सिख महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। जानकारी देते हुए हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 357वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 8 जनवरी से प्रभात फेरी निकाली जा रही है। प्रभात फेरी में श्रद्धालु शबद कीर्तन का गायन करते हुए नगर भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचते हैं, जहां समाप्ति के बाद लंगर प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया जाता है। 19 जनवरी को गुरुद्वारा परिसर में अमृत संचार किया जाएगा, साथ ही अखंड पाठ की आरंभता भी की जाएगी। 21 जनवरी को सहरसा पहाड़ी स्थित गुरु नानक मिशन स्कूल परिसर में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबको गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व 357 और पावन प्रकाश पर्व कुमारडुबी गुरुद्वारा बहुत ही हर्षोल्लास से मना रही है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुमारडुबी, स्त्री सत्संग, नौजवान सभा सभी मिल करके इस पावन प्रकाश पर्व को रखते हुए प्रभात फेरी सुबह 5 बजे से गुरुद्वारा से निकल करके नगर भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंच करके शबद कीर्तन उपरांत लंगर का वितरण होता है। 19 तारीख को अमृत संचार कुमारडुबी गुरुद्वारा में करवाया जाएगा। उपरांत श्री अखंड पाठ रखा करके 21 तारीख को संपूर्ण समाप्ति गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 21 जनवरी को बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास से उनका पावन प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। गुरु नानक मिशन स्कूल में संपूर्ण दीवान सजेंगे। पंजाब से प्रचारक और कीर्तन